दोस्तों अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर सरकारी रिजल्ट पे दोस्तों आज एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किए गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी की तरफ से, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी एंड डी की जॉब करना चाहते हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है दोस्तों। आप लोग इस फार्म को सही तरीके से फिलअप करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आया हूँ सरकारी रिजल्ट .com पे। यहाँ पे इन्होंने ये वैकेंसी ओपन की गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5:13 पे शाम को PM, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस ड्राइवर ट्यूबल ऑपरेटर प्रोसेस सर्वर ऑर्डिनरी प्योन स्वीपर रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 3306 पोस्ट। तो बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों, 3306 पोस्ट की ये वैकेंसी निकाली गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मौका है, अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी एंड डी की जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों कि 10th पास यानी कि 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है, 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए कितनी पोस्ट है, और किस पोस्ट के लिए आप इस फार्म में अपना फार्म जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सारा कुछ विवरण बताऊंगा। 10th 12th ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं और सारा कुछ विवरण समझाते हैं। 3306 पोस्ट की ये वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम कराएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो कराएगी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्वायरमेंट 2024 उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी 2024-25 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। और चलिए मैं आप लोगों को इस फार्म को सारा कुछ विवरण समझाता हूँ कि किस डेट से आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब होने वाली है, सारा कुछ विवरण किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए क्या एग्ज़ाम एप्लीकेशन फीस रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो है एप्लीकेशन फार्म बिगेन यानी कि 4 अक्टूबर 2024 से आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, और 24/10/2024 यानी कि 24 अक्टूबर 2024 तक इस फार्म को आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 24 अक्टूबर 2024, ठीक है। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट सेम है दोस्तों, 24 अक्टूबर 2024 तक आप लोग पेमेंट जो फीस है एप्लीकेशन फीस है वो पे कर सकेंगे। करेक्शन डेट, CBT एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड ये सभी अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, शेड्यूल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹950 पेमेंट जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। वहीं पे EWS के लिए ₹850, SC और ST के लिए ₹750, यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप लोग इस फार्म को अप्लाई करेंगे तो आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ीस जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ₹950 OBC और जनरल के लिए, EWS के लिए ₹850, SC ST के लिए ₹750। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग देखिए फॉर जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस एंड ड्राइवर के लिए
जनरल और ओबीसी के लिए 850, ईडब्ल्यूएस के लिए 750, एससी एसटी के लिए 650 रुपये पर कैंडिडेट्स आपको इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करना पड़ेगा। फॉर ग्रुप डी पोस्ट के लिए यानी कि जो वैकेंसी ग्रुप डी के अंतर्गत आई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस वैकेंसीज में आपको फार्म अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 800 रुपये, वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 700 और एससी एसटी के लिए 600 रुपये एग्जाम फीस जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों वो आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन फार्म डेट और एप्लीकेशन फीस के बारे में पूरी जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 1/7/2024 से, ठीक है। 18 से 40 यानी कि 40 साल एज लिमिट रखा गया है। एज रियलाइजेशन एक्स्ट्रा एज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्वायरमेंट 2024 रूल, यानी कि आपको एज रियलाइजेशन यानी कि एज में छूट भी मिलेगी, जो भी रूल होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो भी इसका रूल है उस हिसाब से आपको एज लिमिट में एज रियलाइजेशन मिलने वाला है। इलाहाबाद को हाई कोर्ट वॉरियर्स पोस्ट 2024 वैकेंसी डिटेल्स, टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो है 3306 पोस्ट, यानी कि बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। वीडियोज में बने रहिएगा आप लोग, वीडियोज लॉन्ग होगी, लंबी हो रही है, लेकिन आपको जो भी बातें हैं, जो भी डिटेल्स हैं, एकदम विलेज वाली लैंग्वेज में दोस्तों पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि एडवाइजर नंबर जो है इस वैकेंसी का, वो देखिए आप लोग 01 डिस्ट्रिक्ट डॉट कॉर्ट स्टेनोग्राफर 2024, ये है एडवाइजर नंबर। और पोस्ट नेम सबसे पहले हम बात करें स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रेड थर्ड की ये जॉब होगी आपकी हिंदी, और इसके लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी की बात करें अगर स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों, तो बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर विथ 80 WPM शॉर्ट हैंड एंड 30 WPM ऑन कंप्यूटर, इसके अलावा आपको CCC एग्ज़ाम जो है वो पास होना अनिवार्य है, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए वो है 517 पोस्ट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर विथ 100 WPM शॉर्ट हैंड एंड 40 WPM ऑन कंप्यूटर, इसके साथ साथ CCC एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य है। टोटल जो वैकेंसी है वो है 66 यानी कि 66, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी के अंतर्गत है आती है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों वो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ CCC एग्ज़ाम पास्ट, यानी कि जो कैंडिडेट्स 12वीं पास कर चुके हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने CCC यानी कि कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ऑफ है कोर्स, तो ऐसे ही कुछ है दोस्तों, क्लियर नहीं है, तो इसका जो कोर्स है, जो इसका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको CCC पास होना अनिवार्य है। अगर आप लोग जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए, पोस्ट के लिए इस फार्म को अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इसके साथ साथ हिंदी टाइपिंग आपको 25 WPM चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग 30 WPM, ठीक है। 932 टोटल पोस्ट है दोस्तों, तो बहुत ही बड़ी पोस्ट है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट्स 12वीं के साथ साथ CCC पास आउट हैं वो इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं पेड अप्रेंटिस के लिए, ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है दोस्तों। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ CCC एग्ज़ाम पास, यानी कि आपको 12वीं के साथ साथ CCC एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य है, तभी आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे। टोटल जो पोस्ट है वो है 122, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है वो है 122, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ड्राइवर के लिए दोस्तों, तो इसके लिए क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास्ड विथ ड्राइविंग लाइसेंस 3 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आपने अगर 10वीं पास आउट हैं आप, और आपके पास
ड्राइविंग लाइसेंस है 3 साल पुराना, तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे। 30 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रुप डी के अंतर्गत ये पोस्ट है दोस्तों, क्लास 8th विथ 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास 8वीं के साथ साथ कक्षा 8 पास के साथ साथ 1 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अंतर्गत ग्रुप डी के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी सारे पोस्ट हैं, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डिनरी प्यून, ऑफिस प्यून, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, बिस्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर कम हारस, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी दिए गए हैं दोस्तों, यानी कि अगर आपने 6वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट पास आउट हैं, तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है 3306 पोस्ट के लिए, तो दोस्तों बहुत ही बड़ा मौका है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, जो वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 3306 पोस्ट के लिए आई हुई थी, उसकी जो भी डिटेल्स थे सरकारी रिजल्ट पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और आप लोग नीचे से यहाँ पे जाके यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, मैं हिंदी का आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप लोग देखिए इस नोटिफिकेशन को, और इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड करके पूरा एकदम सरल तरीके से सारा कुछ विवरण बताया गया है, क्या योग्यता है सारा कुछ दिया गया है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ने के और समझने के बाद ही इस फार्म को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट चयन करेंगे, और उसके बाद आप लोग फार्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक करिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किए करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।